नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर एटा उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नगला कंचन का है, जो युवक सलमान भाड़े पर अपना टेम्पो चलाकर अपने परिवार की गुजर बसर करता था। दो दिन पूर्व बदमाशों ने उसका टेम्पो भाड़े के लिए चंद रुपयों में बुक किया और एकांत में ले जाकर लूटपाट के बाद उसकी हत्या कर दी। और हत्यारों ने उसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश को आरोपी ने थाना क्षेत्र के कसेला अपने गांव जाकर घर में ही गड्ढा खोदकर लाश को गाड़कर ठिकाने लगा दिया और टेम्पो लेकर फरार हो गया। तभी ये शातिर बदमाश नशे की हालत में टेम्पो को चलाकर ला रहा था, तभी थाना मिरहेची क्षेत्र के कासगंज रोड पर सिरसा टिप्पू गांव के पास इस हत्यारे का टेम्पो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने टेम्पो और घायल आरोपी को कब्जे में लेकर इसे जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया और इससे सख्ती से पूछने पर लाश को इस हत्यारोपी की निशादेही पर को जैथरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इसके गांव कसेला के शव को बरामद कर लिया। वहीं इस टेम्पो चालक युवक की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने दो हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की तस्करी में जुट गई है। वहीं परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शातिर बदमाश जैथरा क्षेत्र के गाँव कसेला के टेम्पो बुक कर ले गया, तभी परिजनों ने उसे गायब करने और हत्या की आशंका जताई थी। तब पुलिस ने सख्ती की, तब वो उगला। पहले एक दिन तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा। वहीं पुलिस ने आज टेम्पो चालक युवक के शव को बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने दो हत्यारोपी अनिल और ओमकार को गिरफ्तार कर लिया है और इस हत्या में अनिल और ओमकार के सम्मिलित साथियों की तलाश की जा रही और शक के आधार पर कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल घटना के पीछे हत्या की क्या वजह क्या रही है, अभी इसका पता नहीं चल रहा है। इस वजह जैथरा इलाके में कई टेम्पो चालक की हत्या मामले में पोस्टमार्टम हाउस पर लोग पुलिस की शिथिल कार्यवाही से आक्रोशित दिखे, तब मौके पर पहुंचे एसएसपी सुनील कुमार सिंह, एसएसपी ओपी सिंह सहित भारी मात्रा में पुलिस फोर्स पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर मृतक के परिजनों को एसएसपी ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए उनकी हर संभव मदद करने और कड़ी कार्यवाही का भरोसा दिया है। वहीं एसएसपी ने जल्द हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। कब की घटना है ये? कल सुबह से तब चोर पकड़ो। तो आपने इसकी FIR नहीं कराई थी कल? कुछ नहीं है, पुलिस चालान फोन कर रही है। टेम्पो है तो टेम्पो का मालिक जिससे सलमान ने टेम्पो खरीदा था उसने बताया कि ये सलमान ले गया था। फिर दबाव बुलाया गया, एक व्यक्ति इसमें एक्सीडेंट में घायल हो गया था, उसको दिखाया गया तो बताया कि ये सलमान नहीं है। उससे पूछताछ ही, जो इंजर्ड हाथ में था, नशे में था, उसने कहा कि एक आदमी जो है लूट के भाग गया फिर होने पर घर वाले समझे कि शायद वो जो है सलमान ही है जो भाग के चला गया होगा। लेकिन सुबह तक जब पूछताछ की गई है कई टुकड़ों में तो लगा कि ऐसी अनहोनी घटना हो गई है। पुलिस इसमें जो है एक्टिव हो गई और आज शाम को उसकी बॉडी जो है कसेला गांव पड़ा थाना जैथरा का वहाँ बरामद हुई है और इसके एक साथी को जो है भी कस्टडी में लिया गया, पूछताछ चल रही है। पूरा घटनाक्रम का पूछताछ के बाद खुलासा होगा। हम अपने कार्रवाई कर रहे हैं, बॉडी में मौज रखा जाएगा और पंचायत में कार्रवाई चल रही है। ड्राइवर फीसी का टेम्पो लूट की घटना के लिए अंजाम दिया जा रहा है। ये जो लोग पकड़े गए हैं ये बताए इस मैक्सी टाइप के हैं, नशेड़ी हैं और ये पहले भी जेल गए इस घटना में। जो है लगता ऐसी रहा है सारे टेम्पो को छीन के ले गए होंगे और फिर किसी बहाने से उसको ले गए हैं और गांव में ले जा करके उसकी हत्या कर जमीन गाड़ दिया था उसको। तो ये लग रहा है कि शायद बहाना करके उसको लेके गए सब कुछ।